क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है, सबसे पहले कलर को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाए गया था, इसलिए इसका नेम पड़ा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो है वो क्रोमा के आर ओ एम ए क्रोमा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कलर। और इस टेक्निक का सबसे पहले यूज कलर को सेपरेट करने के लिए यूज किया गया था। एप्लीकेशन है टू सेपरेट कलर्स इन ए डाई, डाई में जितने भी कलर होता है उसको सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर, नेचुरल कलर से पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए। और थर्ड ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, जो ब्लड में ड्रग्स हो उसको भी सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, एक फिल्टर पेपर लेते हैं, फिल्टर पेपर में नीचे से ऊपर 3 सेंटीमीटर अबव पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और अगर डाई को कलर को सेपरेट करना होगा तो फाउंटेन पेन से एक बूंद इस पर गिरा देते हैं और उसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। ओके, फिर क्या करते हैं कि एक जार लेते हैं, जार में 2.5 सेंटीमीटर वाटर कर देते हैं। अब इस फिल्टर पेपर को इसमें डाल लेते हैं, डालने के बाद देखते हैं कि जो ये वाटर है इस फिल्टर पेपर को पकड़ के ऊपर जा रहा है। इस फिल्टर पेपर को इसमें डाल दिए, ऐसे डाल दिए तो हम लोग का लाइन यहीं पे था ना, तो अब ये वाटर है इस फिल्टर पेपर को पकड़ के ऊपर जाने लगा। तो जो कंपोनेंट ज़्यादा सोल्युबल होगा वो तेज़ी से ऊपर भागेगा, और जो कम सोल्युबल होगा वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। इस तरह से कंपोनेंट को हम लोग सेपरेट कर, मान लीजिए बहुत सारे कलर है तो बारी बारी से कलर सेपरेट होते जाएगा, सेपरेट कर होते जाएगा, और इस फिल्टर पेपर को निकाल करके कलर को सेपरेट कर लेंगे। इस तरह से क्रोमेटोग्राफी मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है कलर को सेपरेट करने के लिए। और इसका फर्स्ट यूज कलर को सेपरेट करने के लिए किया गया था, और क्रोमा से लिया गया, KROM ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है कलर, और क्रोमा से ही क्रोमेटोग्राफी बना है। थैंक यू।